साइकोलॉजी के मुताबिक आपके पास जितनी कम चॉइसेस होती हैं, आप उतना ही अच्छा, सही और जल्दी फैसला ले पाते हैं। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में साबित हो चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट में पहले दिन एक मार्केट के अंदर जैम की 24 वैरायटीज रखी गई थी, जिसका प्राइस भी कम था, लेकिन किसी ने भी जैम को नहीं खरीदा था। और जब दूसरे दिन जैम की सिर्फ 6 वैरायटीज रखी गई, तो लोगों ने उन्हें खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने सामने कम चॉइसेस ही रखिए। दुश्मन को भी दोस्त बनाएं। हमारी जिंदगी में बहुत कमी लोग हमें पसंद करते हैं या हमारी सक्सेस से खुश होते हैं। ऐसे में अपने दुश्मनों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए या तो आप उनसे दूर रहना चाहते हैं या उन्हें अपने फेवर में करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इस ट्रिक को आजमाने के लिए आपको बस अपने हेटर से एक छोटा सा फेवर मांगना है, जैसे कोई पेन। अगर वो इंसान आपसे बेहद नफरत करता होगा, तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा। और अगर वो ना खुश होकर आपको पेन दे भी देता है, तो ये फेवर करने के बाद उस इंसान के दिमाग में आपके लिए परसेप्शन बदलने लगेगा, जैसे आप इतने घमंडी या बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रहे थे। और तो और, उन्हें ये भी लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, इसीलिए उनसे हेल्प मांग रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे बात करने से आप लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। रिक्वेस्ट करने का सही तरीका। हम जब भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। और जब हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में सही तरीके से रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकली रिक्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या हेल्प चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको सामने वाले इंसान से पर्सनली मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि फोन या मैसेज पर की गई रिक्वेस्ट का लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता है और ना ही उससे रिक्वेस्ट या हेल्प की अर्जेंसी पता चलती है। इसके अलावा जब आप पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट या हेल्प मांगते हैं, तो सामने वाला इंसान भी ऑकवर्ड ना होने के लिए और अपने बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। किसी भी काम को कैसे शुरू करें? बहुत बार आपको जरूरी काम करना होता है, लेकिन आप उसे शुरू नहीं कर पाते। ऐसे में आपका काम डिले होता रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों, आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि आप 5 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद काम को शुरू कर देंगे। ये 5 सेकंड्स रूल है, जिसे मेल रॉबिन्स ने इन्वेंट किया था। आप चाहे तो इस रूल को अभी किसी काम को शुरू करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये वाकई बहुत हेल्पफुल होता है। पॉपुलर बनने के लिए नाम याद करना। सभी को पॉपुलर होना बहुत पसंद होता है और लोग चाहते हैं कि उन्हें खूब पसंद किया जाए। पॉपुलर होने के लिए बस आपको लोगों के नाम याद रखने चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप लोगों को उनका नाम लेके बात करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों का नाम लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपसे सीनियर होते हैं, आपको उन्हें हमेशा जी या सर कहकर एड्रेस करना चाहिए, जिससे उन्हें खास महसूस हो और वो हमेशा आपको याद रखें। कलर्स और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कलर्स का आपके काम की प्रोडक्टिविटी पर बहुत असर पड़ता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप अपने एनवायरनमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर ऐड करते हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। आप ब्लू और ऑरेंज कलर में कभी भी बोर फील नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज ही अपने एनवायरनमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर को ऐड करिए। टेंशन को कैसे कम करें? हमारे लाइफ में बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिनकी टेंशन हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती है और ये अक्सर हमारे लिए ट्रॉमा बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साइकोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक अपने ट्रॉमा और टेंशन के बारे में लिखने से आपकी मेंटल स्टेट पहले से बेहतर होती है, जिसके बाद आप धीरे धीरे ट्रॉमा से हील करने लगते हो। जब आप ट्रॉमा के बारे में लिख देते हैं, तो आपको सब कुछ सही से समझ आने लगता है और आप खुद को सही से जज कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप ट्रॉमा से बाहर आने लगते हैं। बातें करते वक्त आई कांटेक्ट करना। क्या आपने कभी सोचा है, आपको आपके पेरेंट्स, टीचर्स या बॉस आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स क्यों करते हैं? असल में दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई बात करते वक्त आपसे आंखें नहीं मिलाता है, तो उसका मतलब हो सकता है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपसे कुछ छिपा रहा है, जैसे हमने आपको पहले बताया। ऐसे में किसी को भी आप पर कभी भरोसा नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें और आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं, तो आपको उनसे हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही बातें करनी चाहिए। दूसरों को समझाकर खुद समझिए। दोस्तों, हम सब बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो चीज दूसरों को समझानी चाहिए। जब आप दूसरों को समझाते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो वो चीज हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, जो कभी भी सवाल पूछने पर एक्टिवेट हो जाती है।
अपना मूड अच्छा रखना। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अच्छे मूड में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? असल में दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक आपका मूड आपके हाथ में ही होता है। अगर आप अपने माइंड को कहेंगे कि आप खुश हैं, तो आपका मूड इंस्टेंटली खुश हो जाएगा। ये बस एक माइंड ट्रिक होती है, जिसे अगर आप सीख जाएंगे तो हमेशा अच्छे मूड में ही रहेंगे। इसीलिए जब भी आप लो फील करें, तो बस स्माइल करते हुए सोचें कि आप खुश हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें? हम सभी अपना पूरा दिन किसी काम को करने के बारे में सोच कर बिता देते हैं, लेकिन उस काम को शुरू नहीं करते हैं, और इस तरह से आपका काम डिले होता रहता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आप किसी भी काम को बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। दोस्तों, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, रात को सोने से पहले आप उस काम को अच्छे से समझिए और सोचिए कि आप उस काम को कब और कैसे शुरू करेंगे। जब आप उस पर्टिकुलर काम को अपने माइंड में वर्चुअली पूरा कर लेंगे, तो आपको वो काम आसान लगने लगेगा, जिसके बाद अगले दिन आपके लिए उस काम को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।